हेलो माय डियर फ्रेंड्स माय नेम इज़ टी खुराना ये है मेरी मैंगो आइसक्रीम जो कि आप इसकी रेसिपी अब आगे देखने वाले हैं वीडियो पूरी देखना क्योंकि बहुत टेस्टी बनी थी तो इसीलिए ज़रूर देखना वीडियो पूरी तो यहाँ मेरे पास देखिए कितने सुंदर सुंदर आम है आई मीन बहुत मीठे मीठे आम हैं मेरे पास तो मैं इसकी आइसक्रीम तैयार करती हूँ मैं क्या करूँगी कि जो इसके ऊपर का जो ये पार्ट है ना ये ऊपर बहुत केयरफुल होकर ना कट कर लूंगी क्योंकि ये मेरे बाद में बहुत काम आने वाला है तो ये मैंने कर लिया कट और इसके बाद मैं इसके अंदर जो गुठली आई I मीन mean, जो गिटक होती है ना वो मैं बाहर निकाल लूँगी और फिर मैं इसके अंदर भरूँगी आप देखिए मैं क्या करती हूँ ये देखिए मैंने इसके अंदर जो ये गिटक थी ना ये मैंने बाहर निकाल ली अब और ये जो बाहर मेरा थोड़ा सा निकल गया था नहीं मैंने ऐसे ही रहने दिया क्योंकि बाद में बहुत काम आएगा और यहाँ मेरे पास कस्टर्ड था ऑलरेडी पहले मेरे पास बना हुआ था तो मैंने सोचा कि मैं इस कस्टर्ड को मैंगो में फिल करती हूँ क्योंकि जब ये फ्रीज हो जाएगा ना तो बहुत टेस्टी होगा बस ये मैंने कर दिया और फिर मैं इसके ऊपर जो मेरा मैंगो थोड़ा सा नीचे मेरा गिटक निकालते टाइम नीचे रह गया था ना तो ये मैं उसमें डाल दूँगी है ना अच्छा लग रहा है ना आपने वैसे कभी मैंगो बर्गर खाया है मैंने खाया है अगर आप चाहते हैं ना कि मैं नेक्स्ट वीडियो अपनी मैंगो बर्गर की बनाऊं तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए मैं आप नेक्स्ट वीडियो फिर उसी की बनाऊंगी अब मैं इसको ना फ्रीज़ कर दूंगी कटोरी में रख दिया मैंने बाउल में ताकि ये स्ट्रेट रहे अरे ये क्या हो रहा है ये टिक ही नहीं रहा मुझसे चलो कोई बात नहीं हो गया अब मैंने इसको फ्रीज़ कर दिया था तो अब देखिए अब ये इसके जो अंदर आइसक्रीम है ना ये बिल्कुल तैयार हो चुकी है आई I मीन mean, पूरी फ्रीज हो चुकी है अब मैं ना आपको कट करके दिखाती हूँ मज़ा आ जाएगा इसको तो खा के ये हो गया कट ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना और ये खाने में भी ना बहुत टेस्टी है आप देख सकते हैं अच्छे से अब मैं एक काम करती हूँ इस पे ना थोड़ी सी चेरी लगा देती हूँ फिर ये और भी ज़्यादा सुंदर लगेगा इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि बहुत इजी रेसिपी है ये और बहुत टेस्टी भी होती है तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो ना तो प्लीज़ इसको लाइक भी करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना और दोस्तों के साथ भी शेयर करना ओके थैंक यू